अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंडियन किचन। आज मैं चने की दाल प्याज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कप दाल ली है जिसे एक घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज प्याज ली थी जिसे बारीक कट कर लिए हैं, दो मीडियम साइज टमाटर लिए थे वो भी कट कर लिए हैं, 8-10 लहसुन के जवे जो बारीक कट कर लिए हैं, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 6-7 हरी मिर्ची हैं जो बीच में से कट कर लिए हैं, 1 चम्मच जीरा है, जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, इसमें अपना जीरा डालेंगे, जीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे, इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन हल्का सा फ्राई होगा तो हम इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है हमारे पास वो शामिल कर देंगे, मिर्ची भी शामिल कर देंगे, लहसुन का हल्का सा फ्राई करेंगे तो प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। देखिए हमारा लहसुन हल्का सा फ्राई हो गया, 30 सेकंड के लिए हमने इसे फ्राई किया, इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को भी हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे, हल्की सी, जैसे ये सॉफ्ट होगी तो इसमें अपने जो ड्राई मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। चलाते हुए फ्राई करेंगे। देखिए हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें हम अपने ड्राई मसाले जो हैं वो शामिल कर देते हैं, इन्हें अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून, इन्हें अच्छे से भूनेंगे। ये थोड़े से भुन जाएंगे तो अपने टमाटर भी शामिल कर देंगे इसमें। देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर को हम तब तक भुनेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे तो इसमें दाल शामिल कर देंगे। देखिए हमारा मसाला और टमाटर अच्छे से भुन चुका है, इसमें दाल शामिल कर देते हैं। दाल को हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे, इसे बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। देखिए हमारी दाल भुन चुकी है, इसमें पानी शामिल कर देते हैं। मेरी 1 कप दाल थी तो हम इसमें 1.5 कप पानी शामिल करेंगे, यानी 1 कप और 1/2 कप, इसे अच्छे से चलाएंगे। इसको कवर कर देंगे। मैं इसमें 3 सीटी लगाऊंगी। अगर आपने दाल को कम भिगोया है तो आप इसमें 2 कप पानी शामिल करें, 1 कप दाल में 2 कप पानी शामिल करें और 4 से 5 सीटी लगाएं। ये 3 सीटी लग गई है, मैंने इसे खोल लिया है, ये अच्छे से बन गई। चेक कर लेते हैं ये गली है या नहीं।
अच्छे से गल गई है। इसमें हरा धनिया शामिल कर देते हैं जो हमने पहले से कट करके रखा हुआ है। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। देखिए 1 मिनट हो चुकी है, डिश आउट करते हैं। हमें ऊपर से इसमें हरा धनिया डालेंगे और घी भी डालेंगे। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ जिससे इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चाहे तो ऊपर से गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और हाँ आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं ऊपर से, मगर मुझे ऐसे ही पसंद है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह हाफिज़।